सो हेलो स्टूडेंट, मैं हृदय एसएससी इंस्टीट्यूट से। तो ये इस वीडियो का पार्ट टू है और इसमें जो है आज हम करने वाले हैं स्ट्रक्चर्स कि भाई कुछ मेरे पास आपने जैसे थंबनेल देख लिया होगा कि H2O2 और N2 इन सबके स्ट्रक्चर्स कैसे बनाए जाते हैं, तो वो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले आप ये देखें, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भाई जो एटम्स होते हैं उनके एटॉमिक नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं बेटा, मुझे स्ट्रक्चर बनाना है H2 का, तो H2 का स्ट्रक्चर मैं कैसे बना सकता हूं? जरा ध्यान पूर्वक देखना, हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है? 1। और इसकी जो लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 1 ही होते हैं, क्योंकि एटॉमिक नंबर क्या है? 1 है। ठीक है, तो हाइड्रोजन मैंने बनाया और इसके बाहर वाली जो शेल है उसमें कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 है। क्लियर हो गई अगली बात। अब एक और हाइड्रोजन आया, अच्छा इसके पास जो है सिर्फ एक ही शेल है। ठीक है, तो इसको कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत पड़ेगी? 2 की जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हमने 9th क्लास में पढ़ा था 4th चैप्टर में बोर मॉडल में कि जो है पहली ऑर्बिट में के शेल में हमें 2 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत पड़ती है और फिर उसके बाद 8 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत पड़ती है। तो हमें क्या करेंगे, दूसरा हाइड्रोजन आएगा और दूसरा हाइड्रोजन की कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी? 1, ये वाला इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, तो हमेशा एक बात जो मेन चीज आपको याद रखनी है, अगर 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो रही है तो क्या आएगा बेटा? सिंगल बॉन्ड यूज होगा। क्लियर हो गई। अगर 4 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो रही है तो डबल बॉन्ड यूज किया जाएगा और 6 इलेक्ट्रॉनों की अगर शेयरिंग हो रही है तो बेटा ट्रिपल बॉन्ड आएगा। ये मैं बता देता हूँ बॉन्ड असल में होता क्या है। ठीक है, बॉन्ड क्या होता है बेटा? एक तरह से आप देख सकते हो मम्मी पापा के साथ रिश्ता होता है आपका, एक बॉन्ड जुड़ जाता है ना, वैसे ही ये वाला हाइड्रोजन दूसरे वाले हाइड्रोजन के साथ क्या बना लेगा बेटा? बॉन्ड बना लेगा, चैन। ठीक है, तो अगर 2 इलेक्ट्रॉनों की अगर शेयरिंग हो रही है तो यहाँ पर देखो 1 और 2, दो बॉन्डों की, दो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो रही है तो हाइड्रोजन क्या बना लेगा? H बॉन्ड H। तो ये इसका क्या हो जाएगा बेटा? नॉर्मल स्ट्रक्चर हो जाएगा। क्लियर हो गई। ठीक है, तो H2 का हम क्लियर कर चुके हैं। अगर हम बात करें बेटा O2 की, तो ध्यान पूर्वक देखना O2 में क्या होगा। O2 का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं जिसमें की सिर्फ और सिर्फ मुझे बनाने हैं जिसके बाहर इलेक्ट्रॉन कितने पाए जाते हैं, जो ऑक्सीजन होता है ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है? 8। तो 2.6 हो जाएगा, तो 6 इलेक्ट्रॉन बाहर होंगे इसके आउटर मोस्ट शेल में। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा? 6 होंगे। अब इसको कितने की जरूरत है? 2 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है। तो देखो O2 बेटा दूसरा ऑक्सीजन और आ जाएगा बिल्कुल सिमिलर इसी तरह से, उसके भी बाहर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा? 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। क्लियर हो गई। चलो गिनते हैं इनको, अपना क्या पूरा करना है? ऑक्टेट पूरा करना है। ऑक्टेट का मतलब होता है 8 इलेक्ट्रॉन इनको अपनी आउटर मोस्ट शेल में क्या है? कंप्लीट करने हैं। आ रही है बात समझ में? तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ये वाला ऑक्सीजन खुश हो गया। अब देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो ये वाला भी ऑक्सीजन खुश हो गया। लेकिन अब यहां पर तो स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? 4 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो रही है यहां पर, 1, 2, 3, 4, तो यहां पर क्या है? डबल बॉन्ड। तो और एटम क्या है हमारे पास? ऑक्सीजन है, उसके साथ एक और ऑक्सीजन है, तो ये इसका बॉन्ड बन गया। ये वाली बात समझ में आ गई? तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन हमेशा क्या बनाएंगे बेटा? डबल बॉन्ड बनाएंगे। ये वाली बात अच्छे से आ गई क्लियर? चलो हाइड्रोजन का कर लिया हमने, O2 का कर लिया, अब बनाते हैं N2 का। तो N2 का देखो बेटा, नाइट्रोजन में एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7। तो अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करूं 2.5, तो इसका क्या हो जाएगा बेटा? 2 नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 है। तो मैं इसको इस तरह से लिख लेता हूं बेटा, 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 5 हो गए, एक नाइट्रोजन और आएगा और जो है इस तरह से उसके भी सिमिलर होंगे ना। ठीक है, अब गिनते हैं इनका ऑक्टेट पूरा है या नहीं है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये वाला नाइट्रोजन खुश। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये वाला भी नाइट्रोजन खुश। लेकिन अभी हमें क्या पढ़ा था कि 6 इलेक्ट्रॉन की अगर शेयरिंग हो रही है तो ट्रिपल बॉन्ड आएगा, तो नाइट्रोजन के बीच में क्या आएगा बेटा? ट्रिपल बॉन्ड आएगा। ये वाली बात क्लियर हो गई अच्छे से, समझ में आ गया। तो H2O2 और N2 के जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं वो इस तरह से बनते हैं, आप नोट डाउन कर सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब देखो बेटा, अब हमें बनाना है H2O का। तो H2O पानी है ना, वॉटर, इसका फॉर्मूला होता है, वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। तो इसमें आपको सबसे पहले एक चीज जाननी है, सेंट्रल एटम कौन सा होगा?
सेंट्रल एटम का मतलब क्या है, जो बीच में आएगा, ठीक है। तो दो तो हाइड्रोजन, अकेला ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन आगे भाई बीच में, ऑक्सीजन के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन थे, छह इलेक्ट्रॉन थे, तो एक यहाँ बना दिया मैंने और एक यहाँ बना दिया, तो दो दो चार पांच और एक छह। अब हाइड्रोजन के बाहर तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है ना, ऑक्सीजन को तो दो की जरूरत थी, तो एक हाइड्रोजन आएगा यहाँ पर अपना इलेक्ट्रॉन लेकर, और एक इधर हाइड्रोजन आ जाएगा अपना इलेक्ट्रॉन लेकर, ठीक है। तो एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, तो ऑक्सीजन खुश हो गया, हाइड्रोजन को भैया दो चाहिए, तो उसके दो पूरे हो ही गए हैं, देखो क्लियर हो गई। अच्छा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में कितने इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो रही है, दो की, तो कौन सा बॉन्ड आएगा, सिंगल बॉन्ड आएगा, तो एच बॉन्ड ओ, और यहां पर भी क्या हो रहा है बेटा, दो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो रही है, तो यहां पर भी सिंगल बॉन्ड आएगा। ये वाली बात क्लियर हो गई, अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो ये तो बनता है हमारा एच टू ओ का। अगर बात नहीं करेंगे हम बेटा सीओ टू की, तो सीओ टू में सबसे पहले आपको पता चलना चाहिए कि सेंट्रल एटम क्या होगा, तो सेंट्रल एटम इसमें क्या होगा बेटा, कार्बन, ठीक है। तो कार्बन का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, चार की जरूरत होती है, तो एक दो तीन चार, बाहर चार इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके, ऑक्सीजन यहाँ पर दो है ध्यान रखना, और एक ऑक्सीजन को दो इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होती है, तो ऑक्सीजन आ गया भाई अपना इलेक्ट्रॉन ले गए, तो छह होते हैं बाहर, एक दो तीन चार पांच छह, ठीक है। एक ऑक्सीजन बिल्कुल सिमिलर ऐसे ही आ जाएगा, एक दो तीन चार और पांच और छह, चलो चेक करते हैं सबका ऑक्टेट पूरा है या नहीं है। तो ऑक्सीजन है एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, ऑक्सीजन खुश। कार्बन का देखते हैं, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, ये भी खुश, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, ये भी खुश। अब देखो यहाँ पर चार इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो रही है, तो चार इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, डबल बॉन्ड, तो ओ डबल बॉन्ड सी, और इन दोनों के बीच में भी डबल बॉन्ड और ओ, ये आ गया आपका CO2 का स्ट्रक्चर, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो हम कवर करेंगे बेटा हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपसे बोर्ड में पूछ लिए जाते हैं, तो आप इनको अच्छे से कर सकते हैं, और बाकी नेक्स्ट वीडियो में जो है हम हाइड्रोकार्बन कवर करेंगे। अगर यहां तक आपको समझ में आ गया है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू।